माँ हमारा कमरा से सोनाक्षी का सारा ज्वेलरी गायब है। इस घर में गहना कौन गायब कर सकता है? अनमोल भाभी चोरी नहीं कर सकती। तलाशी ले लेते हैं इसके कमरा का। सुरीली उधर देखो, अरे ठीक से देखो। दीदी ये रहे गहने, ये देखो ये बोनिया ही चुराई है गहना। ये साजिश है, हमने इसे वहां नहीं रखा था। साजिश? अरे जो कल इसकी किताबें जलाने की कोशिश की ना हमने, उसी का बदला लेने के लिए इसने हमारे गहने चुराए। कैमरा में तुम दिख भी रही हो और तुम्हारा तकिया के नीचे से गहना बरामद भी हुआ है, तब भी झूठ पे झूठ बोल रही हो कि नहीं नहीं हमने नहीं किया है। तुमने नहीं किया है तो कोई प्रेत आत्मा आके रख के गया है वहां जो तुमको पता ही नहीं चला। इसके तकिए के नीचे कोई गहने रख के चला जाता है और इसको पता नहीं चलेगा? अरे इसका नींद तो कुत्ते जैसा है कि एक सखट से आवाज हुआ कि उठ जाती है। लेकिन आज क्या ये गधा और घोड़ा बेच के सो रही थी जो इसका नींद नहीं टूटा? ऋषि हमने कुछ नहीं किया, हमारा यकीन कीजिए, हमें फंसाया जा रहा है। हे चोरनी, ज्यादा बनो नहीं, तुम्हारे इस किए की सजा ना तुमको अभी मिलेगी। हम कह रहे हैं जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। मम्मी पहले सच्चाई तो जान लीजिए, सिर्फ ज्वेलरी तकिए के नीचे मिलने से कोई चोर थोड़ी साबित हो जाता है। तुम लोग चुप रहो, तुम लोग के चढ़ाने से ही ना इबोनी का दिमाग सातवें आसमान पे चढ़ा रहता है। अनमोल हमको तुमसे ऐसा उम्मीद नहीं था। अरे आखिर हासिल क्या करना चाहती हो तुम ये सब करके? हर रोज घर में एक नया तमाशा खड़ा रहता है तुम्हारी वजह से। इस घर में कोई नहीं चाहता है कि तुम यहाँ रहो, फिर भी तुम यही टिकी हुई हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? हमारा लाइफ खराब करना चाहती हो? हमारा शादीशुदा जिंदगी का धज्जिया उड़ा के रख दिया तुमने। इसमें हमारा क्या गलती है अनमोल? अरे हम तो हमेशा तुमको सपोर्ट करते आए हैं, यहां तक कि अपने घर वालों से लड़ाई करते हैं तुम्हारे लिए, और बदले में तुम ये सब रिजल्ट दे रही हो, रोज एक नया बखेड़ा खड़ा करके। ऐसी कोई बात नहीं है, हम ऐसे नहीं चाहते, हम निर्दोष हैं ऋषि। बस अनमोल, कभी कभी तो हमको लगता है कि जब से तुमको हमसे एक तरफा प्यार हो गया है तुम अचानक से बदल गई हो, एक अलग इंसान बन गई हो तुम। और जब से सोनाक्षी से हमारी शादी हुई है ना, तुम्हारा ये सब हरकत अचानक से और बढ़ गया है। हमको लगता है कि तुम हमारा शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो, क्योंकि एक नॉर्मल लड़की से हमारा शादी हुआ है इस बात से तुम खुश नहीं हो। तुम्हें इसका सजा जरूर मिलेगा नौकरानी, हम देंगे तुम्हें इसका सजा। ए बॉनी, सबसे पहले ना अब हम तुम्हारे मायके वालों को बुलाएंगे और उसके बाद पुलिस को, और जिस तरह तुम्हारा गुंडा चाचा कप्तान हम लोगों का इज्जत उछाला था ना, वैसे ही तुमको बेइज्जत करके हम पुलिस में देंगे। पूरा धनबाद देखेगा तुम्हारे बेइज्जती का तमाशा, तुम्हारा जग हंसा ही होगा कि तुम चोरनी हो। छी, जिस घर में रहती हो वही चोरी करती हो तुम। दादी हम चोरी नहीं किए। दादी नीलम तुमको तो हम पर भरोसा है ना? आपको पता है भाभी हम ऐसा कर सकते हैं क्या? आपको सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि ऋषि हम पर भरोसा नहीं किए।
और अब ऋषि की नजरों में गिर के हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है दादी। तुम पर कोई विश्वास करे या ना करे, हम तुम पर विश्वास करते हैं। और हम ये बतावे के साथ कह सकते कि ये षड्यंत्र जरूर सुरीली और टाटा वाली ने रचा है। हाँ दादी, अब तो ये लोग इन झूठे सबूतों के आधार पर हमारा परिवार और समाज में आपको बदनाम करने का कोशिश में लगे हैं, और ऋषि इन सब का हिस्सा बन रहे हैं दादी, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। हम ऋषि के द्वारा बदनाम होता हुआ खुद को नहीं देख पाएंगे। ऋषि, हमको पता है हमारे यहाँ रहने से आपको बहुत सारा समस्या हो रहा है। आपका शादीशुदा जिंदगी में तूफान खड़ा हो रहा है। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और औरत के प्रति भावनात्मक जुड़ाव रखता हो। लेकिन इसका कोई समाधान भी तो नहीं है। समाधान है ऋषि, वो ये कि आप इस सब बवाल से अपना ध्यान हटाकर अपना एग्जाम पे फोकस करें, अपना पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है ऋषि। और इस वक्त आपके लिए डॉक्टर बनने से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्लीज आप अपना तैयारी कीजिए और हमको भी अपना तैयारी करने दीजिए। ठीक है, हम इसका प्रयास करते हैं। लेकिन तुमने जो सोनाक्षी के गहने चुराए थे, उसकी वजह से हमको उसका साथ देना पड़ा। ऋषि, आप उसके लिए हमें जो भी सजा देंगे हम स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अंततः जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सच तो तब सामने आएगा ना जब तुम कल तक जिंदा बचोगे। दादी कहाँ है? दादी आप कहना क्या चाहती हैं? नक्षी, ये चोरी एक साजिश थी, लेकिन तुम अनमोल को ऋषि की नजर में गिराना चाहती हो, और इसमें तुम भी शामिल हो, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि ऋषि अनमोल का साथ दे। हम एक औरत हैं और एक औरत की भावना अच्छे से समझते हैं, इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं कि अनमोल पर इस तरह इल्जाम लगाना बंद करो, पढ़ने दो उसे। हम जानते कि अनमोल तुम्हारे और ऋषि के बीच में कभी भी नहीं आना चाहती। तुम काहे उसके और ऋषि की दोस्ती के बीच में फूट डालना चाह रही हो? ऋषि उसे यहां सिर्फ डॉक्टर बनने तक रहने दे रहा है। करने दो अपना मुकाम हासिल, क्या परेशानी है तुमको? इसीलिए एक बार ध्यान से सुन लो तुम, अगर अब तुम उसका बीच में आए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बुढ़िया, तू मुझे धमकी देगी? कहा
भगवान, सब जगह देख लिया, दादी कहीं नहीं दिख रही है। और इस टाइम तो दादी कहीं बाहर भी नहीं जा सकती है। बुढ़िया मरी तो भी हमारा ही फायदा, और बची तो भी हमारा ही फायदा। दादी कहीं गिरविर तो नहीं गई? उनको कुछ हो तो नहीं गया? मगरमच्छ वाला तालाब बहुत फेमस है। आज मगरमच्छ का बढ़िया पौनी डिनर हो जाएगा। आज तो इसका राम नाम सत्य है। उस बौनी का दावत उड़ा चुके होंगे। सुना है कि हड्डी पसली भी नहीं छोड़ते हैं। अब कोई सबूत ही नहीं मिलेगा कि उस बौनी के साथ क्या हुआ है। इसी को कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। हाँ, हमारी बहू अभी तो खुश होना तुम। प्लान पूरा हुए बिना खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। काहे कि अभी उसका अगला स्टेप बाकी है। ऋषि और बाकी के घर वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि अनमोल की बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने आगे की सेटिंग बहुत अच्छे से की है। सब कुछ दीदी के बेस्ट एंड बेस्ट दिमाग से हुआ है, इसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकता। और आज रात ब्रेकिंग न्यूज सबको मिल जाएगा। बॉनी खत्म।
हमको आपके साथ ऐसा किसी भी पार्टी में नहीं जाना है जहाँ हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में बातें की जाती हो। इसीलिए तुमसे कह रहे थे हम कि बोनी का चोरी का कहानी सबको बता दो, सबको पता लग जाएगा तो सबका जुबान बंद हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे बता देते पापा, वहाँ इतने लोग थे, ऐसे कैसे सुना देते हम? कहाँ हो गया, इतने उखड़े हुए काहे हो? अरे कुछ नहीं, बाप बेटा आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, अनमोल भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। हम का उसके पहरेदार हैं जो उसका पल पल का खबर रखेंगे। नहीं, वो हम कब से उनका फोन ट्राई कर रहे थे, वो रिप्लाई नहीं दे रही है, बहुत टाइम हो गया इसलिए। तो होगी कहीं पड़ी अपने कमरा में, जाके खुद देख लो और सुनो, दोबारा हम सबसे उसके बारे में पूछना मत, समझी? सोनाक्षी बेटा जाओ, सबके लिए पानी लेकर आओ, जाओ। ऋषि भैया, अनमोल भाभी शायद घर छोड़कर चली गई। क्या, अनमोल चली गई? उनको बिना बताए वो ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं, हमको यकीन नहीं हो रहा है, वो नहीं जा सकती। भगवान भला करे, अगर ऐसा हुआ है तो छुटकारा मिला वो बोनी। नीलम, तो बहुत अच्छा खबर सुनाई है। इसका हालत तो बहुत खराब है, इतना गहरा और मगरमच्छ वाला तालाब में इस बेचारी बटली लड़की को किसने फेंक दिया? बटली मतलब? ये एक लड़की है, कि ये काफी नहीं आपको इसे बुलाने के लिए? बटली कहने का क्या तात्पर्य है? आप एक दाई माँ हैं, ऐसे शब्द आपको शोभा नहीं देते। क्षमा करे जगत में, लेकिन अभी ये लड़की खतरे से बाहर नहीं है, क्या पता बचेगी भी या नहीं। कुछ भी करके इसे बचाइए, अन्यथा पूरे धनबाद में हम तांडव मचा देंगे। नीलम, तुम्हें कैसा मालूम है कि वो बोनी घर छोड़ के गई? कितना सहेंगी वो माँ, आपने और चाची ने मिलके उनको इतना परेशान किया, और अब उस लिस्ट में ये सोनाक्षी देवी भी ऐड हो गई है। नीलम, तुम इससे बात करो, सोनाक्षी तुम्हारी भाभी है। भाभी? भाभी कहलाने की एक भी गुण है इनमें? सिर्फ षड्यंत्र रचना जानती है, हमेशा अनमोल भाभी को परेशान किया है। बस नीलम, अब एक और शब्द नहीं। सोनाक्षी, क्या ये सच है? तुम अनमोल को परेशान करती थी? हम इस बात का जवाब देना जरूरी है। देख लिया भैया आपने, बदतमीजी करने वाला कितना बड़ा गुण है इनमें। आपको याद है अनमोल भाभी ने आज तक कभी भी आपको बदतमीजी छोड़िए कभी एक कठोर शब्द भी कहा है? नीलम बस चुप हो जाओ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो बोनी का वजह से सब लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ थी तब भी मुसीबत थी, नहीं है तब भी मुसीबत। अरे कम से कम बला तो टली अपने आप। जगत में अभी इसकी हालत पहले से बेहतर है, ज्यादा खून बह जाने की वजह से होश में आने में थोड़ा समय लग सकता है। आपका बहुत बहुत आभार, आपने पूरा प्रयास किया है इस लड़की को पुनः जीवन दान देने का, धन्यवाद। इसकी
स्थिति देख के लग रहा है अवश्य इस लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ है। ये तो इनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा जगत माता। अनमोल, नीलम पानी लेकर आओ। ये आपकी हालत कैसा हुआ? दादी क्या हो गया आपको? ये बुढ़िया बाहर कैसे आ गई, वो भी जिंदा? हमने तो बक्सा अच्छे से बंद किया था। किसने किया ये हालत आपका? इस सोनाक्षी ये हमको मारना चाहती थी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.